दोस्तों आज के इस वीडियो में सुनील सेठी ने आमिर खान की, लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के बायकॉट के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। आइए जानते हैं, सुनील सेठी ने इस ट्रेंड को अनुचित बताया है और कहा है कि एक्टर्स ने फिल्मों पर कड़ी मेहनत की है और उनके इरादे अच्छे हैं। सुनील सेठी ने सोशल मीडिया पर फिल्मों के बायकॉट के ट्रेंड के बारे में बोला, एक ऐसी इंडस्ट्री को नष्ट ना करें जिसमें अच्छे लोगों की अपनी एक विरासत रही है। वे लोग शायद किसी न किसी स्तर पर गलतियां करते हैं, लेकिन क्या हम इंसान नहीं है? मैं केवल इतना कहता हूँ कि यह उचित नहीं है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि बेहतर समझ बनी रहे और ऐसा दोबारा ना हो। ये दोनों फिल्में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सुनील सेठी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आमिर खान चाहे तो साल में 5 फिल्में कर सकते हैं, लेकिन वे 5 साल में एक ही फिल्म करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने अक्षय कुमार का जिक्र किया और कहा कि एक्टर लगातार मनोरंजन फिल्में दे रहे हैं। आमिर खान की फिल्म के खिलाफ बायकॉट का ट्रेंड बढ़ने लगा था क्योंकि उन्होंने साल 2015 में देश में बढ़ती असहिष्णुता के बारे में बात की थी। लाल सिंह चड्ढा के प्रचार के दौरान आमिर खान ने दर्शकों से उनकी फिल्म को बायकॉट ना करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे आम धारणा के विपरीत अपने देश से प्यार करें। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है आमिर खान के बारे में, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।